क्या लगता है आपने इंडियन टेलीविजन पर विलन की परिभाषा बदल दी है? ऐसी कोई बात नहीं है एक्चुअली, जब मैं इमोशनल रोल्स करती थी मयूरी के बाद, तो लोगों का यही कहना है कि सुधा क्या तुम सिर्फ स्क्रीन पर रोने के लिए आई हो। वैसी जिंदगी में इतना दुख दर्द है, जब हम स्क्रीन पर जाके तुमको देखते और रोकर आते हैं। तो आई यूज टू वंडर कि मुझे अपना इमेज जरूर चेंज करना है, लेकिन ज़रूरी है कि वो रोल आए या फिर वो वक्त आपका साथ दे। तो आई कीप वेटिंग फॉर इट एंड थैंक्स टू एकता, क्योंकि कहीं किसी रोल्स के जरिए जो एक नेगेटिव रोल का एक ट्रेंड जो मैंने शुरू किया, थैंक्स टू रमोला, आई थिंक उस कैरेक्टर ने एक टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रोल्स को ही चेंज कर दिया। नॉर्मली नेगेटिव रोल्स में जो ऐसे हम फिल्मों में देखते थे कि या तो बहुत ही डाउन मार्केट होता था या बहुत लाउड, बहुत ल्यूड होता था, बट विथ रमोला हमने बहुत ही डिग्निफाइड और बहुत ही क्लासी इमेज दिया है नेगेटिव कैरेक्टर्स को। और मैं देख रही हूँ कि आज के जितने सीरियल्स में जितने नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं, सबको वो क्लास मिल चुका है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि जब भी इंडियन टेलीविजन में या फिल्मों में नेगेटिव कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे लोग, तो कहीं ना कहीं रमोला सिकंद का जिक्र ज़रूर होगा। रमोला सिकंद की और एक खासियत थी जो बिंदियाँ और जो चूड़ियाँ और जिस तरह का मेकअप था, शुरू में लोगों ने कहा कि शायद बहुत ज़्यादा गैरिश लुक है, लेकिन फिर ये ट्रेंड पिकअप हुआ। क्या आपको लगा था कि ये फैशन बन जाएगी, रमोला बिंदी और रमोला चूड़ियाँ? बहुत सही कह रही हो, क्योंकि जब हमने शुरुआत की तो यू नो वी वर ट्राइंग की आई शेडोज, ब्लश ऑन्स और लिपस्टिक्स को साड़ियों के कलर के साथ मैच करें, और थोड़ा सा गारिश लग रहा था। तो कई बार चैनल से भी मुझे फ़ोन आ रहा था, प्लस हमारी EPs को भी यही लग रहा था कि नहीं सुधा थोड़ा सा टोन डाउन करो यार, बहुत गारिश लग रहा है। आई सेड जस्ट गिव सम टाइम, ट्राई करते, अगर पब्लिक पसंद नहीं करती है तो हमको चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट धीरे धीरे मैं देखती गई कि ये ट्रेंड सा हो गया था, और पार्लर में खासतौर से रमोला मेकअप एक बहुत इंपॉर्टेंट मेकअप के जरिए मतलब मैं फेमस हो गई। एंड जितनी मतलब हम बिंदियों की बात करते हैं, वो मेरा मेकअप मैन था राजू ओरपे एंड देन संजय है, ये दोनों ने बहुत एक्सपेरिमेंट किया बिंदियों के साथ। एक तो होता है जब दो सीनों के बीच में गैप होता था, हमको पता ही नहीं था कि हम करें क्या, तो उसमें हम क्या करते थे कि कभी फूल पत्ते बना लिए, तो कभी किसी ने सांप बना दिया, तो किसी ने स्टार प्लस का स्टार बना दिया। अब समझ में ये आ रहा था कि जब हम बाहर जा रहे थे तो लोग कहने लगे कि वाओ दैट कॉकरोच इज़ वेरी सेक्सी यार। तो आई पर्सनली फील कि जब कोई कैरेक्टर सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके साथ जुड़ी हुई हर चीज़ सक्सेसफुल होने लगती है, एंड दैट इज़ ऑल दैट आई एट्रीब्यूट टू द बिंदीज, ज्वेलरी या जो एक लुक बहुत ही नया था, लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। आई थिंक आई मस्ट थैंक माई ऑडियंस। और आज जहाँ पर आप फैशन ज्वेलरी की बात कीजिए या फिर आप बिंदियों की बात कीजिए, तो आप कहीं पर भी जाओ तो बोलते हैं ये रमोला की बिंदियाँ है, ये रमोला की अंगूठियाँ है। तो आज मैं यही कहूँगी कि रमोला के अलावा बाकी सब कुछ बिकता मार्केट में। तो लेकिन क्या कहीं तरह से ये एक्सपेक्ट किया था कि ये फैशन बन जाए? बिल्कुल, इनफैक्ट जब हमने शुरू किया मतलब वी स्टार्टेड कहीं किसी रोज, हमको पता ही नहीं चल रहा था कि कैरेक्टर ऑफ रमोला किस एक्सटेंड या किस लेवरेज को मतलब कहाँ तक दिस कैरेक्टर इज गोइंग टू गो। तो और मुझे याद है क्योंकि मैंने एकता से ये बात भी की थी, मैंने कहा प्लीज़ यार मुझे शाइना का रोल दे दो, मुझे उस कैरेक्टर में बहुत डेप्थ है, एंड आई वॉज रिलेटिंग दिस कैरेक्टर टू रेखा ऑफ खून भरी माँ। बिकॉज बेसिकली जब कहीं किसी रोज की शुरुआत में स्टोरी लाइन यही थी कि ये लड़की आती है प्लास्टिक सर्जरी करके और रमोला पे रिवेंज लेने, तो द प्रोटैगनिस्ट वाज शाइना, और मैं यही चाहती थी कि मैं ये प्रोटैगनिस्ट का रोल करूँ। बट सब एकता कैप कन्विंसिंग भी नहीं, सुधा जी आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, रमोला कैरेक्टर बहुत अच्छा है, वी विल डेवलप इट। दैट्स वाई आज जब मैं की स्ट्रीट पाली हिल कर रही हूँ, मैंने एकता से कभी ये नहीं पूछा कि मैं क्या रोल कर रही हूँ, बिकॉज मैं एकता के जजमेंट पे 100% बिलीव करती हूँ। शी नोज द ऑडियंस पल्स, उसको पता है कि ऑडियंस को क्या चाहिए। एंड सबसे खास बात बालाजी टेलीफिल्म्स में ये है कि दे अलाउ यू टू ग्रो एज एन एक्ट्रेस। अगर आप कोई भी सजेशन दो वो उस चीज़ को वेलकम करते हैं क्रिएटिविटी के तौर पर। जैसे केसरी पाली हिल में भी, खैर जब हमने रमोला सिकंद का जैसे मैं भी स्टार्ट कही किसी रोज, जीरो एक्सपेक्टेशंस थी क्योंकि हमको पता ही नहीं था कि एक्सपेक्टेशंस यहाँ से राइज होने वाली है। बट जब हमने केसरी पाली हिल शुरू की तो एक्सपेक्टेशन वॉज 100%, तो हमको उसके ऊपर राइज करना था। तो आई थिंक आई वी बेसिकली रिलाई ऑन एकता जजमेंट। स्ट्रीट वाली हिल में भी जो आपका किरदार है उसमें भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रमोला सिकंद के ट्रेसेस दिखाई देते हैं, पर मैं यही कहूँगी कि क्यों नहीं, जिस चीज़ को लोगों ने एक्सेप्ट किया। आई मीन आई बेसिकली बिलीव इन द प्रिंसिपल कि जो लोगों को चाहिए वो हमें उनको देना चाहिए। अब अगर 11:30 के स्लॉट में मैं कोई VP सौ भी रोल करूँ, एज एन ऑडियंस मैं खुद ही उस सीरियल को रिजेक्ट करूँगी, क्योंकि जो एक इमेज बन चुकी है रमोला सिकंद की, 3.5 साल एक इमेज को तोड़ना इज नॉट एन ईजी थिंग। और जब मैं 11:30 का स्लॉट देखूंगी तो मैं यही चाहूंगी कि रमोला अगर दोबारा आई है सीरियल में, जैसे कि मेरी एंट्री में लोगों को यही था कि उश ये आ गए अब क्या होगा इस सीरियल में, और यही एकता भी चाहती है। एंड वी हैव बीन वेरी लकी क्योंकि इस कैरेक्टर या कुछ कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन से सीरियल में, सीरियल वैसे बहुत अच्छा था, बट एक होता ना कि हम एक पैडिंग बन के आए हैं इस सीरियल को उभारने के लिए। वैसे आई थिंक विक्रम, अश्विनी जी जो
काफ़ी ऋतु है, दे वर ऑल डूइंग अ वंडरफुल जॉब इन के स्ट्रीट, बट हमको यही लगता है कि मेरे लिए के स्ट्रीट वॉज अ होम कमिंग, क्योंकि दो महीने के गैप के बाद मैं दोबारा बालाजी टेलीफिल्म्स में आई हूँ एंड आई एम वेरी वेरी कंफर्टेबल वर्किंग विद बालाजी टेलीफिल्म्स। बट अगर स्ट्रीक्स ऑफ रमूला है तो आई थिंक मतलब देयर इज नथिंग रॉन्ग, क्योंकि ऑडियंस यही एक्सपेक्ट करते हैं, तो उनको वही देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपने खुद ने जिक्र किया 11:30 का स्लॉट बहुत डिफिकल्ट स्लॉट होता है, ये क्या इसीलिए आपको इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि ओरिजिनल केस स्क्रिप्ट की केस स्ट्रीट की स्क्रिप्ट में शायद आपका एंट्रेंस नहीं थी उसमें, शायद आप पहले से ही था, बिकॉज व्हेन आई वाउंड अप विद कहीं किसी रोज तो एकता से मेरी मुलाकात हुई थी एंड आई वाज गोइंग आउट फॉर अ हॉलिडे, तो शी सेड सुधा जी आप प्लीज जाइए, जब आप वापस आएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा कैरेक्टर मैंने सोच के रखा है। एंड द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट केम टू मी फ्रॉम विक्ता इज लाइक 11:30 के स्लॉट में आप ना हो ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या ये कह सकते हैं कि एकता कपूर की फेवरेट विलन एट 11:30 इज सुधा चंद्रन? नो, आई थिंक दिस वुड बी अ ग्रॉस ओवरस्टेटमेंट, बिकॉज एकता हैज ऑलवेज बीन इंट्रोड्यूसिंग वंडरफुल एक्टर्स, ऐसी कोई बात नहीं कि सुधा चंद्रन इज इंडिस्पेंसेबल, ऐसी कोई बात नहीं है, बट इट्स वेरी नाइस कि एकता को लगता है कि मैं एक अच्छी एक्ट्रेस हूँ, प्रोफेशनल हूँ, और मुझे भी अच्छा लगता है बिकॉज आई लव टू बी एसोसिएटेड विद पीपल हु आर वेरी क्रिएटिव एंड आई रियली एडमायर एकता ऑन अ पर्सनल लेवल, क्योंकि इस एज में ये चीज़ अचीव करना इज नॉट एन ईजी जॉब। ए मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में एक लड़की आके इस तरह से अपने एक अम्पायर को एस्टैब्लिश करना ऑन अ पर्सनल लेवल आई एडमायर कर अबाउट, बिकॉज जैसे मेरी कहानी है आई हैव बेसिकली बीन अ फाइटर ऑल माई लाइफ, तो उस लेवल पे मैं एकता के साथ बहुत अच्छी तरह से रिलेट करती हूँ, और अगर वो मुझे एक अच्छी एक्ट्रेस समझती है तो आई थिंक दिस इज अ थैंक्स टू हर, इट्स अ हॉनर टू। लेकिन सुधा शायद ये हमने कमेंट इसलिए किया क्योंकि केसरी पाली हिल भी जो है ओरिजिनली 3 दोस्तों की कहानी है, लेकिन फिर आपकी एंट्री हुई और उसके बाद कुछ लोगों का कहना है कि शायद कहानी थोड़ी सी डिवियड हो चुकी है, आप फोकस में आ गई हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल ये नहीं हुई है, बिकॉज आज भी कहानी और मुद्दा वही है मीनाक्षी का मुद्दा। बात ये है कि विक्रम मेरा भाई जो है वो फंसा हुआ है, 3 दोस्तों की कहानी अभी भी है, लेकिन एक होता है कि औरतों का आना इनपुट बहुत ज़रूरी होता है, एक तो इमोशन के लिए और एक नेगेटिव फैक्टर के लिए, एंड इसमें क्या है कि रमूला वॉज अ वेरी नेगेटिव कैरेक्टर, बहुत ही मैनिपुलेटिव थी, लेकिन इसमें जो कैरेक्टर जो बुआ है जो दीदी है वो अपने भाई से बहुत प्यार करती है, वो एक बहुत ही पॉजिटिव नोट है कि वो अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, पर वहाँ पर वो नहीं था, रमूला आई है सबकी तबाही करने आई थी, बट यहाँ पर एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है कि कम बॉट में मैं अपने भाई का साथ नहीं छोड़ूंगी चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, सो दैट इज़ अ बेसिक डिफरेंस। और मुद्दा अभी भी वही है मीनाक्षी का मर्डर जिस पर हम आज भी यही एपिसोड चल रहे हैं, तो ये नहीं कह सकते कि आप मेन लेवल से स्क्रीन से डिवेट होके मतलब मुझ पर फोकस दिया जा रहा है, आई डोंट थिंक एकता ये कभी नहीं करेगी, बिकॉज बेसिकली इज अ टीम वर्क, हर कोई यही चाहता है कि जो एक मेन स्टोरी लाइन है उसी के साथ हम जुड़े। लेकिन जब अब आपको कहा गया कि 11:30 का ये स्लॉट है, क्या एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक जिम्मेदारी थी, क्योंकि एक तो इतना मुश्किल स्लॉट है, ऊपर से एक रमूला सिकंद का बैगेज सा बन गया है आपके पास? यस, इट इज़ एन एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैं बहुत ही डर रही थी जब मैंने रमूला का रोल साइन किया, मुझे मतलब मुझे कोई एक्सपेक्टेशन सही थी ना ही किसी को थी, बस वी पुट इन 100% मेहनत करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ती, बट इसमें एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए है क्योंकि एक तो वो टेंशन है कि रमूला का एक जो इमेज है उसको हम रिपीट नहीं कर सकते, इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, या इस जो ऑलरेडी एक सेटअप बन चुका है उसमें मैं कैसे एडजस्ट हो जाऊंगी, या इस कैरेक्टर के आने के बाद लोगों के मतलब एक नज़रिया कैसे बदलती है इस सीरियल के प्रति, या इस कैरेक्टर से लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। और जब भी हम कोई भी कैरेक्टर या किसी भी एक्टर के लिए कोई एक कैरेक्टर को यू नो एक लेना और उसको एक कंधे करना बाय इटसेल्फ एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मेरे लिए डबल है क्योंकि रमूला का एक जो इमेज है वो लोग अभी तक खुले नहीं है, आप उसी स्लॉट पे एक उसी मोल्ड का एक रोल, बट जो कॉम्प्लीमेंट्स मुझे अब आ रहे हैं कि लोगों का ये कहना है कि लुकिंग बेटर देन रमूला, यू लुकिंग यंगर देन रमूला, तो दिस इज़ वेरी गुड, क्योंकि अगर यही तो हम चाहते थे कि हम उससे कुछ अलग करें, कुछ अलग दिखें, तो इफ़ यू आर एबल टू अचीव इट आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग। मतलब बेटर देन रमूला का हम ये मतलब निकाले कि यू लुकिंग वर्स देन रमूला, बिकॉज ओनली देन आप बेटर रहेंगे रमूला। नहीं, लुक वाइज मैं बोल रही हूँ, वर्स देन रमूला तो मैं बिहेव करूँगी, लेकिन लुक वाइज लोगों को ये कहना कि तू इतनी छोटी कैसी लग रही, तू इतनी इनोसेंट कैसे लग रही है, सो मे बी आई थिंक द लुक दैट वी हैव वर्क्ड ऑन, यू नो, अगेन एकता, बिकॉज एकता वो गेम ही दस लोग सुधा जी ऐसा करते हैं, वही मैं कह रही हूँ कि बालाजी टेलीफिल्म से लुक पे इतना कॉन्सेंट्रेट करते हैं दैट एक्चुअली कन्वेज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू द ऑडियंस। दोनों में ही खून खराबा था, आपका नेगेटिव कैरेक्टर था, तो कहीं ना कहीं सुधा आप टाइप कास्ट नहीं हो रही हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम? आई थिंक आई ऑलवेज बिलीव कि फॉलो द ट्रेंड, अगर
लोग मेरी वजह से टाइपकास्ट हो रहे, तो मैं अपनी वर्ल्ड में टाइपकास्ट होने में मुझे क्या प्रॉब्लम है? आई थिंक आई हैव सेट द बॉल रोलिंग. और अगर उस मतलब जैसे मैं बोलती हूँ कि एक आई पुट इन अ सीड, अगर उस सीड का फ्रूट्स, मतलब आई वुड से रमोला वाज द सीड एंड के स्ट्रीट के लिए जो कैरेक्टर मैं कर रही हूँ, दोज आर द फ्रूट्स ऑफ माय लेबर. इसी चीज़ को एक्सप्लोर करने में मुझे आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम. शायद मेरा सवाल थोड़ा क्लीशे लगे, लेकिन फिर भी एक अभिनेत्री के हिसाब से थोड़ा प्रयोग करना, अलग किस्म के रोल करना, हम जनरली इसको सेटिस्फैक्शन से जोड़ते हैं. देखिए सेटिस्फाइड तो आर्टिस्ट कभी नहीं होती, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग. जब मैं इमोशनल रोल करती थी तो मुझे, मैं चाहती थी कि मैं नेगेटिव रोल करूँ. अब नेगेटिव करूँ तो मैं इमोशनल करना चाहती हूँ. अब इमोशनल करूँगी तो लोग बोलेंगे तो क्यों रोती रहती है. अब लोग बोलते तुम हमेशा नेगेटिव क्यों करती हो. देखो बेसिकली देर आर ओनली 5 शेड्स ऑफ एन एक्टर. या तो आप इमोशनल करोगे, या पॉजिटिव करोगे, नेगेटिव करोगे, या विलन करोगे, या कॉमेडी करोगे. सी एक ढांचा है जिसमें एक्टर घूमता रहता है और वक्त के साथ आदमी घूमे, ये बहुत अच्छी बात है. ये 11:30 का स्लॉट है, अगर यही 9:30 का होता या कोई थोड़ा और बेटर स्लॉट होता, जैसे शायद हम प्राइम टाइम कह सकते हैं, तो क्या लगता है आपको थोड़ा सा टोन डाउन कैरेक्टर हो जाता आपका? आई डोंट थिंक सो बिकॉज जो कैरेक्टर, जिस कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है एक सीरियल के लिए, वो आप 9:30 के स्लॉट में, बिकॉज वी स्टार्टेड कहीं किस रोज ऑन 8:30 स्लॉट, तब भी यही गार्लिश मेकअप. 11 के स्लॉट में भी लोगों ने कहा आप नहीं चलोगे, हमने वहाँ पर भी 14 की TRP हम लेके आए. 11:30 के स्लॉट में गए, लोग कहने लगे कि अब तो बंद हो जाएगा, तब भी हमने 1.5 साल चलाया. तो आई थिंक लोगों को इंटरेस्ट लग जाती है किसी चीज़ की, आई डोंट थिंक व्यूअरशिप को आती है. स्लॉट्स और TRPs में वैसे आपको फिगर्स काफ़ी पैक हैं, कितना मायने रखता है ये सब आपके लिए एज एन एक्ट्रेस? क्योंकि बहुत मायने रखता है, आई थिंक बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. खासतौर से मैं ज़्यादा ये नहीं बोलती हूँ कि TRPs इज एवरीथिंग, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो हमको तो रिस्पॉन्स मिलता ही है. क्योंकि कहीं किसी रोज करते वक्त हम ना किसी TRP पर ध्यान देते थे, जब हम बाहर जाते थे तो पता चलता था वो जा रही है रमोला, ये जा रही है रमोला. अब मैं केस ट्रीट कर रही हूँ तो लोगों का यही कहना है कि सुधा जी आर लुकिंग वेरी नाइस इन केस ट्रीट, तो इसका ये मतलब है कि लोग देख ही रहे हैं. बिकॉज अगर नहीं देखते तो आपको ये रिस्पॉन्स नहीं मिलता. TRP अपने आप में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो जब तक TRPs नहीं है तो आप, मतलब यू आर नॉट इन द राइट रेस. तो फॉर द प्रोडक्शन हाउस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और एज एन आर्टिस्ट भी, जब जैसे मेरी एंट्री आई है तो मैं नेचुरली आई एम मोर इंटरेस्टेड टू नो कि मेरे आने से कई TRP में थोड़ी सी सुधार आई है कि, एज एन एक्ट्रेस, एज अ ह्यूमन बींग, ये क्यूरियोसिटी तो होती है. बट द बेस्ट TRP विच कम्स इज द पब्लिक अप्रिसिएशन. सुधा, इन दोनों सीरियल्स के अलावा फिलहाल और भी काफ़ी सीरियल्स आप कर रही हैं, कि एहसास है, इन बाकी प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा बताएं. एहसास में एक बहुत ही इमोशनल रोल कर रही हूँ, सिर्फ रोती रहती हूँ. तुम बिन जाओ कहा आई एम प्लेइंग अ रोल ऑफ गुरुमा, लेकिन उस गुरुमा में भी वेरिएशंस इतने हैं. कभी मैं एक कैनेडियन बेस्ड NRI बन के आती हूँ, तो कभी जेल में एक कल्प्रिट की तरह आती हूँ. तो आई हैव डन सो मेनी शेड्स इन तुम बिन जाओ कहा. देन मैं ज़मीन से आसमान तक कर रही थी, जिसमें मैं सिर्फ किरण कुमार की बीवी बनी थी, जो अपने पति के आगे कुछ नहीं देखती थी. शी वॉज अ टोटली ट्रेडिशन बाउंड औरत. प्रॉब्लम यह है कि लोग सिर्फ स्टार देखते हैं, प्रॉब्लम यह है. मैं इमोशनल रोल्स, मैंने सहारा पे भी मैंने किया है, मैं DD पे भी कर रही हूँ. बट द थिंग इज़, जो पॉपुलर है लोग वही देखते हैं. तो लोगों का यही कहना है कि आप सब नेगेटिव करते हो, ऐसी बात नहीं. मैं कई डिफरेंट रोल्स कर रही हूँ, बट हाँ एक तमन्ना है आप एक कॉमेडी कर लेंगे. बस आई जस्ट वॉन्ट टू डू वन वंडरफुल कॉमेडी सिटकॉम फॉर सम चैनल. और एक चीज़ जानना चाहेंगे, आप दिन में ऑलमोस्ट 10-12 घंटे शूटिंग करती हैं, जैसे बाकी एक्टर, टेलीविजन एक्टर्स भी करते होंगे. काफ़ी बार होता है कोई थक जाता है, कोई कोलैप्स हो जाते हैं सेट्स पे, ऐसे भी केसेस आए हैं. आप कभी थक नहीं जाती या कभी? टचवुड अभी तक तो नहीं हुआ है, क्योंकि कल सवेरे मैंने 8 बजे से मैंने काम शुरू किया है. सवेरे 4 बजे घर पहुँची, 8:30 की शिफ्ट में यहाँ पहुँच गई, अब रात को 10 बजे घर जाऊँगी. मतलब 48 आवर्स के बाद मैं सोने जा रही हूँ. आई थिंक वर्क कीप्स मी मूविंग, मुझे अच्छा लगता है. मैं बेसिकली एक वर्कहॉलिक हूँ, काम करती रहती हूँ. जितना काम करती हूँ उतना मैं एनर्जाइज हो जाती हूँ. एंड आई थिंक आई, इस चीज़ के लिए मैं शाहरुख खान को अपना आइडल मानती हूँ, बिकॉज आई थिंक ही इज़ अ बंडल ऑफ एनर्जी. उनको, उसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू हैव द एनर्जी यू कैन डू एनीथिंग इन लाइफ. पर निजी जिंदगी का क्या? निजी जिंदगी अच्छी खासी चल रही है, पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी है. बड़ा वंडरफुल लविंग हस्बैंड जो मेरा साथ हर कदम पर मेरे साथ है. वंडरफुल लविंग फादर जो, खैर मजाकिया तौर पर तो ये कहते हैं कि घर तो गेस्ट हाउस है ही, बेचारी आती है ना कि चली जाती है. बट आई नो कि मेरी अपनी एक ड्यूटी है, बट दिस इज ऑल्सो द टाइम. क्योंकि हर आर्टिस्ट की जिंदगी में एक लिमिटेड टाइम होता है जब आप सब कुछ करना चाहते हो, उसके बाद सिर्फ रिग्रेट्स है कि हम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए. एंड आई एम वेरी लकी, क्योंकि आई एम वेरी सपोर्टिव फैमिली. मेरे हस्बैंड है, मेरे फादर है, मेरी माँ थी जो आज हमारे मेरे साथ नहीं है. आई लॉस्ट अ 4 मंथ्स बैक, बट आई थिंक बिहाइंड माई सक्सेस इज माई फादर. और वक्त बिता पाती हैं आप इनके साथ, हस्बैंड के साथ? क्या होता है कि जब आप बहुत बिजी होते हो ना, तो 2 घंटे भी मिलते हैं बहुत मायने रखते हैं. वो 2 घंटे में आप अपनी ज़िंदगी जी जाते हो.
सुधा, आज सुधा चंद्रन एक नाम है टेलीविज़न इंडस्ट्री में। कुछ सालों पहले आप रेट्रोस्पेक्टिव में देखें, वो पूरा स्ट्रगल पीरियड, आपका एक्सीडेंट, ये सब भी काफ़ी सुर्खियों में रहा है। आज कैसा महसूस करती है, कितना स्ट्रगल किया है आपने? आई डिज़र्व द सक्सेस। मैं यही कहूँगी कि जब लोग बोलते हैं कि आप बहुत सक्सेसफुल हो, तो मैंने कहा मैंने मेहनत भी बहुत की है, एक जीत और मेहनत, एंड आई हैव स्टक टू दिस इंडस्ट्री इसी होप के साथ कि आज नहीं तो कल मैं ज़रूर सक्सेसफुल होंगी। आई एम वेरी थैंकफुल, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू एकता कपूर, बिकॉज आर्टिस्ट बहुत ख्वाहिशें रखते हैं, मतलब यू वॉन्ट टू डू दिस, यू वॉन्ट टू डू दैट, बट कभी कभी वक्त आपका साथ नहीं देता है। आप बहुत एक डिसइल्यूजन डिसहार्टेंड एक्टर्स बनकर आप इस इंडस्ट्री से रिटायरमेंट ले लेते हो फोर्सिबली, पर मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करती थी कि अगर तुम मुझे इस इंडस्ट्री में लाए तो मुझे निराश होकर डिसअपॉइंट होकर मुझे इस इंडस्ट्री से जाने पड़े, बिकॉज मैं जब तक इस इंडस्ट्री में रहूँगी मैं कुछ प्रूव करना चाहती हूँ, बस मुझे एक मौका देना जहाँ पर मैं अपना वर्थ प्रूव करूँगी और फिर मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं होगा। और थैंक गॉड मुझे वो वक्त आया, भले 16 साल के बाद, बट आई एम हैप्पी इट हैज़ कम एट अ वेरी राइट टाइम जब मैं डिजर्व करती हूँ। और आज जो मैं सक्सेस मैंने पाया है, आई थिंक ये इट इज़ माई, आई थिंक आई डिजर्व इट, ये मेरा धर्म से अधिकार है। बॉलीवुड में भी कुछ आपने कोशिश की थी? बॉलीवुड में मैंने बहुत कुछ कोशिश की थी, वो सारे वो एक स्पेट ऑफ फेलियर्स था जहाँ पर मैं बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं थी। एक्ट्रेस मैं तब भी अच्छी थी, कॉपरेटिव मैं तब भी थी, प्रोफेशन मैं तब भी थी, लेकिन एक वक्त साथ देना बहुत ज़रूरी है और वक्त तब साथ देता है। व्हेन यू हैव टू बिकम सक्सेसफुल, वक्त आपका साथ दे देता है, वो फिर भले वो कहीं किसी रोज़ के रूप में हो या के स्ट्रीट के रूप में हो या तुम्बिन के रूप में हो, यू जस्ट बिकम सक्सेसफुल। टेलीविज़न इंडस्ट्री को भी आज उस हिसाब से ज़्यादा अहमियत दी जाती है, क्या ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है? देखिए बहुत ज़रूरी है कि जब टेलीविज़न को इंपॉर्टेंस दी जाती है तब हम उस टेलीविज़न के इंटेग्रल पार्ट हैं। हो सकता है कि 10 साल बाद टेलीविज़न ना ही, तब हम कहेंगे कि हम उसके इंटेग्रल पार्ट थे, तो उसका कोई मायने नहीं रखता। जब कोई फेज सक्सेसफुल हो, उस सक्सेसफुल फेज में हमारा वहाँ रहना बहुत सही है। आई ऑलवेज बिलीव द फॉर्मूला फॉर सक्सेस इज बीइंग एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस विद द राइट रोल एंड विद द राइट पार्टनर। ओके, नाउ टू थ्री रैपिड क्वेश्चंस। एक ये बताइए, आपका फेवरेट टेलीविजन शो कौन सा है? टेलीविजन देखने का मौका नहीं मिलता, बट ऑफ कोर्स आई थिंक द सीरियल दैट आई वर्क इन डेफिनेटली नेम द सीरियल के स्ट्रीट बॉलीवुड। ओके, फेवरेट टेलीविजन एक्टर, वी टॉकिंग अबाउट या परफॉर्मेंस वाइज? साक्षी दत्त। ओके, हॉटेस्ट मेल ऑन द टेलीविजन इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू? किरण कुमार। ओके, डू यू हैव अ टैटू? आपकी बिंदी बिंदी तो बहुत फेमस है, बट डू यू हैव अ टैटू? नो। व्हाई नॉट? बिकॉज आई थिंक 18 घंटे जब वो टैटूज में लथी रहती हूँ तो मैं चाहती हूँ पर्सनल लाइफ में मेरे साथ कुछ ना जुड़ा रहे। ओके, पैशन इन लाइफ? टू बिकम सक्सेसफुल। हॉबीज? स्लीपिंग। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय।